बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खरीद से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़बरदस्त सा फेशियल मास्क बनाने जा रहे हैं जो आपकी फेस को बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट करेगा। तो इसके लिए हमें जिन ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए हनी, एक टमाटो उसका पेस्ट बना लेना है आपने, एक अदद एग, कॉफ़ी। तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक टमाटो का पेस्ट बना लेना है आपने। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून कॉफ़ी। एक टेबल स्पून हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी फेस को बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट करता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हर एक के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको हाथ से बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपके कलर को भी बहुत ज़्यादा फेयर करेगा, डार्क स्पॉट एक्नी, डार्क स्पॉट एक्नी को रिमूव करेगा, फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा और आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लेंडर में भी बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएंगी, लेकिन मैं इसलिए हाथ से बना रही हूँ क्योंकि हर एक के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कॉफ़ी के जो दाने हैं वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। आपने इसको रेगुलर, एक वीक के लिए रेगुलर यूज़ करना है। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, इसको हम काम कर लेंगे। टमाटर का पल्प और उसके सीड्स जो हैं वो हमने अलग कर लेने हैं। टमाटर के सीड्स और इसका पल्प हमने अलग कर लिया है। अब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ओके, अब हम इसमें अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। सफ़ेदी नहीं ऐड करनी है आपने, सिर्फ अंडे की जर्दी ऐड करनी है। एक टेबल स्पून हम इसमें अंडे की जर्दी को ऐड करेंगे, सॉरी सफ़ेदी को।
ये हमने 2 टेबलस्पून इसमें अंडे की सफेदी ऐड की है। अब हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी आपकी जिल को बहुत ज़्यादा लाइट करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। इसमें 1/2 टेबल स्पून हम हनी ऐड करेंगे, इतना। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप ब्लेंडर में करेंगे ना तो ये थोड़ी देर में बिल्कुल आपका मास जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मैं हाथ से बना रही हूँ इसलिए टाइम लगेगा। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मास्क हमारा रेडी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इससे आपने अपने फेस में इस तरह से अप्लाई करना है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अक्सर मास्क लगाते वक्त आप लोग अपनी गर्दन को स्किप कर देते हैं, लेकिन गर्दन आपके फेस का एक हिस्सा है, तो आपने गर्दन को स्किप नहीं करना। आप जो चीज़ भी अपने, चाहे वो फेशियल करवाएं, चाहे स्किन पॉलिश हो, चाहे जो मास्क या फेस पैक आप यूज़ करें, उसे गर्दन पे लाजमी यूज़ किया करें। तो इस तरह से आपने इसे सारे फेस पे अप्लाई करना है। जब ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद आपने एक बार फिर से रिपीट करना है, इसको फिर से लगाना है। तो आपने इसे किसी जार में महफूज कर लेना है 1 वीक के लिए। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आपने इसको डेली यूज़ करना है। 1 वीक आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो बहुत इजी और सादा सी रेमेडी है। तो अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस हैं, आपका कलर डार्क है, आपको एक्ने है, पिंपल का मसला है, पिगमेंटेशन है, तो आपकी जिल के तमाम मसाइल को ये हल करेगा और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपने 1 वीक इसको रेगुलर यूज़ करना है। आपने किसी खाली कंटेनर या जार में इसको ऐड करके 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर कर लेना है और उसको रेगुलर यूज़ करना है। तो मैं करती हूँ, मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।